बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन शॉर्मा। मुझे तो ये रेसिपी बहुत सिंपल और बहुत जल्दी बनने वाली लगती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी, झटपट रेसिपी मैं इसको भी कहूँगी, शेयर करूँ। इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए, सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करते हैं। आज मैं चीज़ें आपको साथ साथ ही बताऊँगी। अच्छा, इसके अंदर मैंने 6.5 कप मैदा ले लिया है। साथ ही 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है मैंने। अब इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून शुगर, और साथ ही मैं 2 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट का डाल दूंगी। अच्छा, 1 पैकेट मैं इसके अंदर इंस्टेंट ईस्ट होती है उसका इस्तेमाल करूंगी, और नीम गर्म पानी के साथ हम इसको भून लेंगे। तो पानी साथ साथ ही मैं इस्तेमाल डालूंगी, जितना मुझे उसकी ज़रूरत होगी मैं साथ साथ डालती रहूंगी। इन चीज़ों को मैं सबसे पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ, और नीम गर्म पानी के साथ इस आटे को मैं गूंद लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके मैं नीम गर्म पानी इसके अंदर डालती जाती हूँ, और इसको हम गूंदते हैं। ये देखिए, डो मेरी रेडी है। ये देखिए, बहुत ढीली, बहुत नरम नहीं अपनी बनानी, बहुत सख्त भी ना हो, इस तरह से हो। इसको अब मैं क्लिंग रैप करके रख दूंगी, ये इसे डबल साइज में हो जाएगी। इसको हम किसी वार्म जगह पे रख देते हैं ताकि जल्दी से हो जाए, और उसी देर में हम अपना चिकन रेडी कर लेते हैं। चलिए, अब हम चिकन के लिए मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। 1 कप दही ले लिए मैंने। मसाले जो इसके अंदर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरे ख्याल हर घर में ही होते हैं। 1 चम्मच मैंने हल्दी लिया है, 1 ही चम्मच मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने हिसाब से, अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसके अंदर 1 चम्मच मैं दालचीनी पाउडर डालूंगी, 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और इसके अंदर 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर वो मैं इस्तेमाल करूंगी। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, और 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। ये सारी चीजें चली जाएंगी इसके अंदर। इसके साथ ही मैं कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर जो है वो 1 टीस्पून डालूंगी। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से, जितना आप खाते हैं उतना आप डालें, और 1 टीस्पून ही इसके अंदर मैंने गरम मसाला डाल दिया। अच्छा, इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक पिसी हुई, और 1 टीस्पून ही लहसुन पिसा हुआ लहसुन वो मैं इस्तेमाल करूंगी, और इसके साथ ही मैं पेपरिका पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इस्तेमाल कर लें, मुझे इसका थोड़ा स्मोकी फ्लेवर अच्छा लगता है, तो मैं इसके अंदर 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ। अच्छा, इसके साथ ही खुशबू के लिए और थोड़ा टेस्ट को डिफरेंट बनाने के लिए मैंने ऑरिगेनो लीव्स विद कुल 1/2 टीस्पून वो डाल दूंगी। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं डालें, नहीं डालना चाहते बिल्कुल नहीं डालें, ये कोई ज़रूरी नहीं है इसके अंदर डालना। अब इसके अंदर एक फुल साइज़, बड़े साइज़ का मैं लेमन स्क्वीज कर दूंगी, बीज आप निकाल लें। अब इसके अंदर साथ ही मैं 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दूंगी। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। ये देखिए, अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। अच्छा, 2 किलो मैंने चिकन लिया, चिकन ब्रेस्ट, ये देखिए इस तरह इसको मैंने काट लिया। अब इसको मैं कट लगा लूँगी इस तरह से, इतना कट लगा लेने, और इसी तरह इसके अंदर मैं इसको रखती जाऊंगी। इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है। अच्छा, इस तरह दोनों साइडों से मैंने इसको अच्छी तरह सारा मसाला लगा लेना है। अच्छा, चिकन मैंने मैरिनेट कर दिया है, अब इसको मैं ग्रिल के ऊपर बनाऊंगी। छोटी सी मैंने ग्रिल ली हुई है इसी काम के लिए, देखें इसके ऊपर मैंने चिकन को बनाना है। अच्छा, मैं इसको बारबेक्यू की तरह बनाऊंगी चिकन को। आप इसको तवे पे, चूल्हे पे, ग्रिल पे किसी भी तरह बना सकते हैं। कोयले मैंने जलने के लिए रखती हैं, जैसे ही जलते हैं उसी उतनी देर में चिकन मैरिनेट भी हो जाएगा, और इसको हम ग्रिल के ऊपर बनाएंगे। तो ये चारकोल शवारमा आप इसको कह सकते हैं, चारकोल चिकन शवारमा। अच्छा, चटनी में मैंने ऑलरेडी 1 खीरा ले लिया था 1/2, साथ में मैंने थोड़ा मिंट ले लिया था, गार्लिक पेस्ट डाला हुआ है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर सॉल्ट डालूंगी,
और साथ ही मैं ब्लैक पेपर डाल दूंगी इसके अंदर। और इसके बाद इसके अंदर हमने योगर्ट मिक्स कर लेना है और हमारी चटनी बिल्कुल बहुत मज़ेदार और यमी सी चटनी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें इस तरह से ये बन जाएगा। जो दूसरी सॉस जो मैं इसके साथ बना रही हूँ उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून मायोनीज ले ली है, साथ ही इसके अंदर मैं 1 टीस्पून शुगर डालूंगी और साथ ही हॉट चिली सॉस कौन सी भी आपके पास है आप वो इस्तेमाल करिए। 2 टेबलस्पून हॉट चिली सॉस जाएगी इसके अंदर। अगर ज्यादा स्पाइसी नहीं पसंद आपको तो 1 टेबलस्पून डालें या 1 टीस्पून, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा स्पाइसी बनती है। चीनी से ये होगा कि थोड़ा सा मीठा टेस्ट आएगा और ये थोड़ा इसके स्पाइसी को कम कर देगी। ये देखें सॉस बिल्कुल रेडी होगी है। अगर चीनी नहीं डालनी तो बिल्कुल ना डालें, अगर आपको बहुत स्पाइसी पसंद है, मुझे थोड़ा मीठा फ्लेवर अच्छा लगता है तो मैं डालती हूँ। ये देखें दोनों सॉस हमारी रेडी हो गई है। अब हम अपना चिकन रेडी कर लेते हैं। अच्छा देखें कोयले मेरे बिल्कुल जबरदस्त रेडी हो गए। अब इस पे मैं हल्का सा ऑयल लगाऊंगी ताकि मेरा चिकन साथ चिपके नहीं। बहुत ख्याल से ये काम करें आप ताकि हाथ ना जले, घर के अंदर भी बड़े ख्याल से करें। ये देखें मैं आपको बता नहीं सकती इतने मजे की खुशबू आ रही है ऊपर जैसे मैंने रखा है, तो चारकोल की ऊपर से मसालों की चिकन की। जरूर ट्राई करें और मुझे ट्राई करके प्लीज पिक्चर जरूर भेजा करें और मुझे मेंशन जरूर करें कि आपने ट्राई किया, मुझे बहुत खुशी होगी। अब इसकी साइज मैं चेंज करती हूँ। बहुत ही मजेदार और खूबसूरत सा कलर आ गया। ये देखें दोनों तरह से इतने खूबसूरत कलर आ गया और बिल्कुल बन गया मेरे। ये देखें जबरदस्त। अब इनको मैं उतार लूंगी और बाकी बना लूंगी इतनी देर में। रेडी हो गया, मैं दूसरे रख देती हूँ इतनी देर में। चलिए इनको अब हम काट लेते हैं गर्म गर्म को। आप काटेंगे देखें ये देखें इनको इसी तरह आपने स्लाइस में काट लेना और फिर इनको मैं असेंबल करके बताऊंगी। उतनी देर में हम अपना शवारमे की जो नान है वो रेडी कर लेते हैं। ये देखिए तकरीबन 1 घंटा हो गया मुझे स्टोव को रखे हुए और ये डबल साइज की हो गई है। जबरदस्त स्टोव हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसके थोड़ा दोबारा मलेंगे कि इसके अंदर जो एयर होगी वो निकल जाएगी। इसको अब मैं इस प्याले से निकाल लूंगी और थोड़ा सा इस तरह मिक्स करूंगी और अब मैं इसके पेड़े बना लेती हूँ। ये देखिए इस साइज का एक पेड़ा आपने बना लेना है इस साइज का। अब इसको मैं बेल लेती हूँ। ये देखें इस साइज का मैंने इसको बेल लिया। अब इसको मैं तवे पे डालती हूँ। ये देखें अब इसकी मैं साइड चेंज करती हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया, बिल्कुल बाजार की तरह ये बनेगा। जरूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस इसी को मैं देखूंगी, अंदाजे से ही मैं इसकी साइड चेंज की है, अंदाजे से ही मैं आपको बताऊंगी। तकरीबन 1 मिनट ही लगेगा और ये रेडी हो जाएगा। अब इसकी साइड चेंज करके देखते हैं दूसरी साइड से ही बन गया। ये देखें
कैसे ये नान मेरा फूल रहा है, जबरदस्त। अब इसको मैं उतार लेती हूँ, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए अब ये हॉट सॉस मैं पहले लगाऊंगी, ये नान से आपने इस तरह इसको लगा लिया। अब इसी में जो सी भी आप सब्जी पसंद है वो आप डालें, मैं लेटस डाल रही हूँ पहले, देखें साथ ही ये ब्लैक ऑलिव्स है वो डालूंगी, साथ ही टमाटर, किसी को टमाटर नहीं पसंद होते तो आप नान इस्तेमाल करें, साथ ही अनियन मिक्स पर डाल लें, अब इसी के ऊपर मैं भर के डाल दूंगी चिकन। घर में बनाए एक तो आपके सामने बना होगा और ज़बरदस्त साफ सुथरा, और आपकी मर्जी के स्पाइसेस होंगे इसके अंदर, बहुत मज़े का और बहुत ही बच्चों को घर में सबको बहुत पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब इसके ऊपर लास्ट पे मैं ये सॉस डाल देती हूँ, योगर्ट वाली जो मैंने बनाई थी। अब मरहला है इसको बंद करने का, बहुत किसी भी ड्रिंक के साथ आप इसको खाएं, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्मा बनेगा और आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही सिंपल रेसिपी के साथ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।